अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू पाकिस्तान में पाए जाने वाले बंदरों के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी किस्म के बंदर पाए जाते हैं और ये किन इलाकों में मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका वक्त ज़ाय के बिना वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में पाए जाने वाले बंदर खसूसी तौर पर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और यहाँ आने वाले सयाहों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए छोटी छोटी शरारतों से दिल को बहलाते देखा गया है। पाकिस्तान में जंगली बंदरों की दो इकसाम पाई जाती हैं, रईसिस बंदर और स्लेटी लंगूर। रईसिस बंदर, इन बंदरों का रंग भूरा होता है। बालक बंदरों का चेहरा और पीठ का पीला हिस्सा सुर्ख रंग का होता है। जिस्म के निचले हिस्से हल्के भूरे रंग के होते हैं। दुम दरमियाने साइज की और सर पर छोटे बाल होते हैं। चार पंजों पर चलते हैं। नर का औसतन वज़न 8 किलो जबकि मादा का 7 किलो तक होता है। आम तौर पर ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में रईसिस बंदर मरी गलियात, स्वात, कागान, आज़ाद कश्मीर और मारगल्ला की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में अभी ये काफ़ी आम है, लेकिन बहुत से खानाबदोश लोग इनको पकड़कर इनसे मदारी वाले बंदर का काम लेते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये किसानों को इसलिए नहीं भाते क्योंकि ये फसलें ख़राब कर देते हैं। हालिया सालों में पाकिस्तान में इनकी आबादी में इजाफा देखा गया है। हनुमान या स्लेटी लंगूर, इसका रंग मुख्तलिफ इकसाम में स्लेटी से लेकर गहरा भूरा हो सकता है, जिसमें काले रंग की आमेजिश पाई जाती है। चेहरे का रंग काला होता है। चार पंजों पर चलता है। नर का औसतन वज़न 18 किलो जबकि मादा का 11 किलो होता है। ये लंगूर आमतौर पर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल चीड़ के जंगलात में मिलता है। भारत में ये बारिशी जंगलात में भी पाया जाता है। पाकिस्तान में ये लंगूर बहुत ही नायाब है और कभी कभार आज़ाद कश्मीर, कागान और शोगरान के जंगलात में देखा गया है। पाकिस्तान में इसकी आबादी लगभग 200 है, जो मज़ीद कम हो रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि इनकी देखभाल और नस्ल को लाख खतरों को रोका जाए। इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा इंसानों से ही है, लेकिन बहुत सी जगहों और लोगों को इनका बहुत ख्याल रखते हुए देखा गया है। सर्दी के दिनों में जब बर्फ़बारी होती है तो लोग इनको अपने पास से खाना देते हैं। इनका भी बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर इनको शदीद नुकसान भी पहुंचाया जाता है, जिससे रोकना होगा इन लोगों जैसा होना होगा जो इनका ख्याल करते हैं, ताकि हमारे माहौल की खूबसूरती कायम रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारी हौसला अफज़ाई करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की तारीख और सकाफत के बारे में मज़ामीन पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।